खबर नारायणपुर और कांकेर सीमावर्ती इलाके की है, जहां एक दिन पहले अबुझमाड़ में डीआरजी एसटीएफ जवानों की एक संयुक्त टीम नक्सल अभियान पर रवाना हुई थी। इसी क्रम में आज ग्राम टेकमेटा और कांकोर के बीच जंगलों में पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग की गई, जिसमें अब तक 2 महिला माओवादी सहित कुल 7 माओवादी कैडर के शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। बता दें कि अभी आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है और मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक नग AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की है और क्षेत्र में सर्चिंग लगातार जारी है। आज दिनांक 30 अप्रैल को जिला कांकेर एवं नारायणपुर के सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र में डीआरजी नारायणपुर एसटीएफ टीम एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सर्चिंग में अब तक कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। संभवतः उसमें 2 या 3 महिला माओवादी का भी होने का संभावना बताई जा रहा है और एक AK-47 सहित काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स अमुनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे, क्योंकि अभी भी लगातार अभियान जारी है। एग्जैक्ट डिटेल तब पूरा सर्च अभियान पूर्ण होने के पश्चात हमको प्राप्त हो सकता है। 29 अप्रैल यानी कि कल रात से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो जाकर आज सुबह 6 बजे जहाँ पर नारायणपुर और कांकेर का सीमा मिलता है अबुझमाड़ क्षेत्र में, वहाँ पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और उसमें 3 महिला और 6 पुरुष नक्सली मारे गए हैं। कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है, किसी को खरोच भी नहीं आई। AK-47 राइफल जब्त हुआ है और बहुत सारे और आयुध जब्त हुए हैं। एमिनेशन बहुत जब्त हुआ है, उनका रसद खाने पीने का काम सामान वह भी जब्त हुआ है। ये सारी चीज़ें जब्त हुई हैं, परंतु अभी 9 नक्सलियों के शव बरामद किया जा चुके हैं। हमारे कोई जवान उनको खरोच भी नहीं आई है। लगभग 45 किलोमीटर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर जाकर के ये ऑपरेशन किया गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। सफलता के लिए DRG और STF के जवान, जिनकी संयुक्त पार्टी ने ये ऑपरेशन किया था, वो बधाई के पात्र हैं और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः इस समय भी आग्रह करता हूँ नक्सलियों से, उनमें भटक चुके लोगों से, कि विष्णुदेव जी की सरकार बातचीत चर्चा के माध्यम से इस मसले का हल चाहती है। हर हाल में कोई एक नक्सली, कोई 2 नक्सली, कोई छोटा ग्रुप या कोई बड़ा ग्रुप जो भी बात करना चाहे, वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहे या किसी मीडिएटर के थ्रू बात करना चाहे, पुनर्वास की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनसे आग्रह है वो मुख्यधारा में वापस लौटें और समाज के साथ आगे बढ़ें। बस्तर में शांति हो, बस्तर के गांवों तक विकास पहुंच सके, बस इसी प्रार्थना के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के जवानों ने 7 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है और इस मुठभेड़ में अब जो आंकड़ा है वो 9 पहुंच गया है। बता दें कि 3 महिला समेत कुल 9 माओवादियों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुसतकर जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, लगातार देखा जा रहा है कि जो मुठभेड़ चल रही थी नारायणपुर के जंगलों में, उसमें 9 माओवादियों के शव अब तक बरामद किए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगातार जो है सरकार बदलने के बाद जो है, जब से भाजपा की सरकार आई है, नक्सलियों के खिलाफ जो है सरकार का रवैया सख्त हो गया है और इस 4 महीने में लगभग 90 जो है माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो अभी जो आज की जो घटना है, इसमें जो कांकेर सीमावर्ती इलाका है जो अबुझमाड़, वहां पर जो है अभी नक्सल पार्टी जो है नक्सली से मुठभेड़ हुई, उसमें 9 लोगों की जो है मौत हो गई है। अभी तलाशी जारी है, बहुत सारे हथियार भी मिले हैं, लेकिन ये एक जो महत्वपूर्ण बात ये है, आकांक्षा की सरकार बदलते ही जो है सरकार के तेवर बदले हैं और नक्सलियों के खिलाफ पॉलिसी बदली है। कांग्रेस की सरकार में जो रवैया था सरकार का और फोर्सेस का, जो नरमी थी, वो अब देखने मिल नहीं रही है। अब सीधी सीधी जो है आर पार की लड़ाई दिख रही है और जिस हिसाब से चुनाव के पहले इन्होंने कहा कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम नक्सल मुक्त कर देंगे, तो सरकार उसी दिशा पर बढ़ती हुई दिख रही है आकांक्षा। वही अनिल जी, अगर बात करें तो लगभग 15 दिनों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों पर ये दूसरी बड़ी स्ट्राइक देखी गई है और इसमें जिस तरीके से 9 नक्सली मार भी गिराए गए हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हमेशा से सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम रहा है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये जो सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, इससे क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये कोई आज की समस्या है नहीं। दरअसल इस समस्या को जो है
अगर कहा जाए राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ही ये समस्या बढ़ती रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरी होती नहीं है। जी तो इस बार जो है अब ऐसा लगता है कि सरकार जो है आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो अभी चुनाव में ही जो है लोकसभा चुनाव के पहले ही जो है कि एक बड़ा अभियान चलाया गया था जिसमें 29 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था। ये छत्तीसगढ़ की जो अभी तक की जो नक्सली एंटी नक्सल ऑपरेशन है उसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन था कि 29 नक्सलियों को एक साथ न्यूट्रलाइज करना। और इसमें कोई शक नहीं है कि नक्सली जो है कॉर्नर होते जा रहे हैं। अब जो एक एक एक, एक समय था जब नक्सली पूरे बस्तर पर हावी थे, तो अब वो पूरे बस्तर पे तो हावी नहीं रहे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि साउथ बस्तर पर अभी भी उनका डोमिनेशन है, लेकिन नॉर्थ बस्तर से तो करीब करीब उनका सफाया होते जा रहा है। और आज की भी जो घटना है वो भी नॉर्थ बस्तर की ही है, कांकेर के आसपास। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस का जो रवैया है जो नक्सलियों के खिलाफ वो महत्वपूर्ण होता है, और इस बार जो है पुलिस बहुत ऑफेंसिव मूड में दिखाई दे रही है। देखिए 29 और 9 जी, छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, 9 नक्सली को मारा जाना, उसके पहले 29 नक्सलियों को मारा जाना, तो ताकत तो लगा रही है सरकार। और जिस हिसाब से चुनाव के पहले भी अमित शाह ने भी कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर देंगे, तो ऐसा लगता है उसी दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। आकांक्षा, वही अनिल जी अगर बात करें तो अभी उस इलाके में क्या संभावनाएं जताई जा रही है, ये जो ऑपरेशन है ये कब तक चलाया जा सकता है, या अभी इलाके में नक्सली की कितनी संख्या है, इसके लेकर क्या कुछ अपडेट है? नहीं देखिए, ये तो अब जो ये जो गर्मी का जो मौसम होता है ये खास करके गर्मी का मौसम पुलिस के लिए बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि सर्चिंग के लिए जो है नक्सलियों को बहुत ज्यादा छुटने का मौका नहीं मिलता। नक्सलियों के लिए जो अच्छा मौसम होता है वो बरसात का होता है, जब पुलिस की जो है क्या कहना चाहिए कि सर्चिंग और मॉनिटरिंग वो छूट जाती है, कठिन हो जाती है। लेकिन अभी गर्मी है, गर्मी में जो है वो बहुत एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाना बहुत आसान होता है, तो इसलिए ये अभियान जो है ऐसा लग रहा है कि मौसम को देखते हुए भी चल रहा है। और आखिर में कहीं ना कहीं तो जाकर नक्सल अभियान को रुकना पड़ेगा, तो उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। और जिस हिसाब से चुनाव के पहले नक्सलियों के खिलाफ जो मूवमेंट चला था, 29 लोगों की जो उसमें 29 लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया था नक्सलियों को, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद देखिए बस्तर विधानसभा में जो बस्तर लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस समय कोई भी वहां पर ऑपरेशन या कोई घटना नहीं हुई थी, जबकि लोकसभा के पहले जो विधानसभा 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तब जो है बीजापुर सुकमा कोंटा हर विधानसभा में जो है वो नक्सलियों ने जो है मूवमेंट किया था। अभी जो है नक्सलियों की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं ऐसा बताती है कि सरकार फ्रंट फुट पर है और नक्सली बैक फुट पर है। आकांक्षा जी, अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि नक्सली मुठभेड़ में लगभग 9 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। लगातार ये सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के बीच में ये मुठभेड़ जारी थी और इसमें अब तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो ये है कि 9 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है जिनके शव बरामद किए गए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़े और अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच ये भी देखने को मिलता है कि कई नक्सली समर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, तो माना जा सकता है कि सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं सरकार सक्रिय है और इस तरीके की सफलता सुरक्षा बलों के लिए एक अहम सफलता मानी जाती है।